अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम फिर से रिएक्शन करेंगे शिराजी व्लॉग पे, और आप भी हमारे साथ देखें। अदीरा और बेटा हुआ है। उम्मीद करता हूँ घर खड़े से होंगे। हम मैं और मुस्कान सुबह सुबह तैयार होके अपने नाना के घर जा रहे हैं। नाना का घर बहुत दूर है, इसलिए गाड़ी में जाना पड़ता है। ये देखो मेरी बहन मुस्कान भी तैयार होके आ गया है। मुस्कान आप सलाम कर लिया मोबाइल। अस्सलाम को नाजर कैसा था, मैं खड़खड़ा सुनूंगे। ये देखो ये भाई है, ये भाई अभी मैं नाना के जा रहा है। अभी हम रोड में आ रहे हैं और गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं यार गाड़ी कब आएगा। अभी मैंने वो एक गाड़ी यहाँ चला गया था ना, मैंने रुको रुको करके नहीं रुका, फिर चला गया यार। हमें भी जाना था यार, वो गाड़ी कैसे चला गया पता नहीं, फिर गाड़ी कब आएगा यार। आओ मुस्कान इधर इंतजार करते हैं, ठीक है इधर बैठे हैं यार, आइए थोड़ा आराम करते हैं। एक घंटे बाद ये तो मोटर है यार, मोटर में तो एक घंटे बाद कोई गाड़ी आई है, नहीं पहुंचेगा। अच्छा ये बाइक है, वो पंचर है, हम कब से यहाँ जा सकते हैं। ओ उधर से गाड़ी आ रही है यार, मैं उसको रुको कहता हूँ। कौन गाड़ी है, रुकेगा या नहीं रुकेगा, हम उसको कहते हैं। हम इसमें चलेंगे, फाइनली रुके, हम गाड़ी में जा रहे हैं। देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमान, गाड़ी में बैठा हुआ है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है यार गाड़ी में। अच्छा ये इलाका बहुत खूबसूरत है, पहाड़ देखे, पहाड़ों के ऊपर बर्फ है। ये गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, ये ऐसे ही खूबसूरत है। देखो ये खतरनाक पुल है, ये वाकई में बड़ा खतरनाक है, गिरी मिले गिलगित बल्तिस्तान में ऑलमोस्ट ऐसे ही पुल होते हैं। बहुत दूर है यार, मैं कुछ देर में सोता हूँ। अब सोने लगे, रास्ता तो इतने खूबसूरत है, इतने खूबसूरत है, हम ही हैरान हो जाते हैं। लेकिन रोड बहुत गंदा है यार, जम जम आ रहे हैं। गाड़ी में मुश्किल से पहुंच गया यार। देखो मुस्कान आप गाड़ी में थक तो नहीं गया? नहीं गया। अच्छा नहीं गया। ओ मेरा मामू आ गया, अस्सलाम वालेकुम। देखो ये मेरे मामू दोनों हैं, अभी हम उनके घर चलते। ओ मेरा मामू आ गया, अस्सलाम वालेकुम। देखो ये मेरे मामू दोनों हैं, ये उनके मामू और वो अपनी नानी के घर आए हुए हैं। ये मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छा दोस्त हैं, उनके घर में ले जाते हैं ना, फिर मुझे खाना देते हैं। ये तो मुझे बहुत प्यार करता है। अभी हम इस गांव में दिखाता हूँ। ये देखो इस गांव का नाम ठगा सिंह, बहुत खूबसूरत गांव है। देखो पानी भी बहुत है। सलाम अलैकुम। अच्छा आप अपने गांव की भी कोई जो उनकी जुबान है ना, मदर टंग, वो भी बोलते हैं इसमें। ओके अल्लाह हाफिज। अभी हम नाना के घर पहुंचने वाला है। ये देखो ये मेरे नाना जी हैं, अस्सलाम वालेकुम। नाना बहुत बड़े हैं और बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। गांव तो बहुत खूबसूरत है यार। यार इस गांव में तो खेती बाड़ी करके खत्म हो गई है यार, पानी भी लगाया है यार। देखो हमारे गांव में खेती बाड़ी खत्म नहीं हुआ है। ओ हम नाना के घर पहुँच गया है। देखो साथ घर बनाए हुए हैं, पत्थर लगाए हैं।
ये देखो ये हमारा नाना का घर है, ये इनके नाना का घर भी सारा पत्थर से बना है। ये देखो ये लकड़ी से सीढ़ी, अच्छा ये सीढ़ी चेक करें, लकड़ी के साथ जो बनाई गई है, हैंडमेड है सर। बाकी सारा घर ही घर पहुंच गया है। नाना के घर तो बहुत खूबसूरत है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम नाना जी के किचन में मौजूद थे, अभी हमने चाय पी लिया, चाय भाई पी लिया, इसको रोटी कहते हैं, हम खाते हैं इसको मजे मजे से। ये कुर्सी है, इसमें आग लगाते हैं, देखो फिर गर्म गर्म होते हैं, फिर हम ऐसे रहते हैं, इसमें पाँव रख के तो पाँव गर्म करते हैं। देखो अभी हम नाना के घर बैठा हुआ है, मौसम तो इतने अच्छा है, देखो यहाँ पे कबूतरों के घर है, देखो अभी मैं अकेला नाना के गांव को अकेला देखता हूँ यार। ये तो अजीब रास्ता है यार, देखो खौफनाक भी है, इस रास्ते से तो कहाँ पहुँचता है मुझे पता नहीं, हम चलते हैं। मामू आ गया यार, देखो कहाँ शेर है, यहाँ है, यहाँ तो शेर, उसको डरा रहा है मामू के यहाँ पे शेर भी होता है। ओ नो, तो हम अकेले मत जाएंगे, चलो हम चलते हैं। उसने कहा यहाँ शेर आते हैं, इससे मैं वापस जा रहा हूँ। ओ क्यूट क्यूट बच्ची मिल गया है मुझे, मैंने आपको उस दिन दिखाया था ना, वो क्यूट क्यूट बच्चे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कोई रिस्पांस नहीं। अच्छा ये इसने मेहंदी लगाई है यहाँ, मेहंदी बहुत अच्छा है यार, देखो वाकई में अच्छा है, प्यारा प्यारा है, बहुत प्यारा है यार, मेरे गोद में आने का दिल कर रहा है, आ जाओ मेरे गोद में, आ जाओ। कोई रिस्पांस नहीं दे रही बच्ची, बहुत प्यारा प्यारा है यार, उसका ना दुनिया थे, मैं उन उनकी जबान में अपने जबान में बात करता हूँ। ये मिंता कुछ है, इसको मूट हो गया है। मामू उस दिन आपके गांव में बड़बाड़े आया था, नहीं आया था, हमारे गांव में तो नहीं आया था, नहीं थोड़ा सा आया था, फिर नहीं आया, थोड़ा आया था। इस गांव में तो थोड़ा आया था, मेरे मामू भी तो हमारे गांव में तो इतना बड़बड़ी हो गया था यार। अधीरा और बेटा वाला कितना प्यारा, हमें अधीरा ये बहुत प्यारा प्यारा बच्चा है यार, देखो मेरे गुलमुलू की तरह। ये खेत ना कुछ दिन बाद ग्रीन ग्रीन हो जाएगा, मुस्कान फिर चढ़ना शुरू हो गया यार, ओफ क्या करें, सीढ़ियां बहुत प्यारी बनाई हुई हैं। मुस्कान आप यहाँ कर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा अच्छा। जैसे आए हैं ना तो मुस्कान मुझे भूल गया था यार, वो खुद अकेला अकेला गांव में घूम रही थी। मुस्कान अकेले अकेले मत घूम, ठीक है? ठीक है, वरना घूम जाएगा। उधर देखो कितना खतरनाक खतरनाक पहाड़ है, पीछे देखो ये गांव तो बहुत खूबसूरत है यार, मुझे तो पसंद आ गया। पहाड़ भी हैं और साफ साफ बादल भी हैं, यहाँ पर सुकून भी है, शोर शराबा नहीं है, पानी का शोर है और किस का शोर नहीं है। ये देखो इस छोटी बच्ची पानी दे रही है, देखो इसको प्यास लग रही होगी, ये देखो ये पानी पी रहा है, इसको बहुत प्यास है इसलिए। मुस्कान यार आप मेरी एक वीडियो निकालो, मैं उसको गोद में लेता हूँ। ये देखो ये मेरी गोद में आ गया, आई वाह, यार ये मुस्कान यहाँ आते हैं ना, मुझे लीफ ही नहीं है, और अधीरा और मुस्कान खेलते रहते हैं यार। मुस्कान मुझे भी खेल में रख दो यार, नहीं मुझे खेल में रख दो। अच्छा ये फारसी बोल रहे हैं यार, मुझे समझ नहीं आ रही इसके फारसी जबान बोल रहा है। इसने मुझे क्या हाल किया, नो ये देखो अभी खाना तैयार हो के यहाँ आए हैं, ये क्या क्या है हम देखते हैं। ये देखो ये गोश्त है, ये सूप है, ये मटन है, ये जान है, इसको हम मजे मजे से खा रहे हैं। मुस्कान अभी अभी खाना देखो, मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ, बिस्मिल्लाह है रहमान रहीम,
फिर इसको ऐसे खाते हैं। यम्मी है। और ये गोश्त भी है, गोश्त भी देखो, मुझे गोश्त बहुत पसंद है। मुस्कान एक गोश्त मुझे दे दो यार, दे दो। नहीं दे इसको भी गोश्त बहुत पसंद है ना। अभी मैं खाना खाता हूँ। अल्लाह हाफिज। अच्छा तो ये थी शिराज गिलगित बल्तिस्तान से, जो अपनी छोटी बहन के साथ ब्लॉगिंग करते हैं। उनकी ब्लॉगिंग बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग भी, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग भी इनके ब्लॉगिंग जो है वो चेक करें, इनका चैनल सब्सक्राइब करें। चाइना बॉर्डर के पास इलाका है, वो सारा पहाड़ी इलाका है, जैसे कि आपने देखा भी है, पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ भी पड़ी हुई है, काफ़ी ठंडा इलाका है। और ये बच्चा उस इलाके से बिलोंग करता है और ख़तरनाक किस्म की ब्लॉगिंग करता है बाबा जी, क्योंकि मैंने भी ब्लॉगिंग की हुई है। कैमरे के सामने बोलना इतना आसान नहीं होता, ये जो करते हैं ब्लॉगिंग उनको आइडिया होगा इस चीज़ का, लेकिन ये बच्चा बहुत महारत के साथ काम करता है। और ये आने वाले वक्त में बाबा जी बहुत जो है ना सब्सक्राइबर लेगा, शायद 10 मिलियन तक जाएगा। तो जो है ना पाकिस्तान में जो सबसे बड़े ब्लॉगर हैं डकी भाई, उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया इसको। और ये मिले हैं इमरान रियाज खान से भी, उन्होंने भी काफ़ी इसको अप्रिशिएट किया, उसके ऊपर भी हम ब्लॉग एक वीडियो बनाएंगे आपको दिखाएंगे। तो हमारे इस चैनल का भी ख्याल करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।